हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए नई मिस्टीरियस वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो है मिराकुलस लेडीबग के ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, जिससे आपको ऐसी ही फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैंने बहुत सारी मिस्टीरियस वीडियो बनाई है मिराकुलस लेडीबग के ऊपर, सो आप देख सकते हैं, आपको आई बटन पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिराकुलस लेडीबग सीरीज पूरी तरीके से फिल्ड है मैजिक से और सुपर पावर थिंग से। टाइम ट्रेवल कराने वाले एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल थिंग्स हैं, जिससे हम कुछ इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज बता सकते हैं। टाइम ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बट मिराकुलस लेडीबग के केस में ये बहुत ही ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। इस सीरीज के प्रोटैगनिस्ट के लिए अल्टरनेट टाइमलाइन बनाने से लेकर लोगों को अलग अलग यात्रा कराने की इजाजत देता है। टाइम ट्रैवल घटिया से घटिया सिचुएशन को भी और भी ज्यादा खराब बना देता है। मिराकुलस लेडीबग सीरीज ने इंट्रोड्यूस कराया था टाइम ट्रैवल को, जब एलेक्स की फैमिली की जो विरासत वाली घड़ी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, और तभी एलेक्स जो थी वो अकोमाटाइज विलन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। टाइम टैगर एपिसोड में हमें एलेक्स के फ्यूचर के रोल के बारे में पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि वो रैबिट मिराकुलस की होल्डर है, और ये एक्सपीरियंस कराता है मिराकुलस लेडीबग के फैंस को टाइम ट्रैवल का। एलेक्स की सुपर हीरो वाली पावर और उसकी अकोमाटाइज वाली पावर दोनों ही एक दूसरे से मैच होती है, लेकिन एलेक्स अकुमाटाइज वाली पावर से समय की रक्षा करने के बजाय एलेक्स दूसरे लोगों के अस्तित्व को मिटाकर समय को ही खत्म कर देती थी। ये डेंजरस एबिलिटी किसी के भी अस्तित्व को मिनटों में बदल देती है, जिसका इस्तेमाल एलेक्स पास्ट में ट्रैवल करने के लिए कर सकती है। उन लोगों की लड़ाई के दौरान लेडीबग टाइम मेकर के साथ पास्ट में चली जाती है, और वहां लेडीबग अपने पास्ट वाली सेल्फ से मिलती है और उससे मदद मांगती है, जिससे लेडीबग अपनी पास्ट वाली सेल्फ से मिलकर एलेक्स को हरा सके। हम इस वर्क ऑफ फिक्शन को टैबू कंसीडर करेंगे। इसमें लेडीबग ने अपनी पास्ट वाली सेल्फ से बातचीत की है और समय को बदलने की कोशिश की है, लेकिन मिराकुलस लेडीबग के केस में इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें लेडीबग जब अपने लकी चार्म का इस्तेमाल करती है तो दूसरी वाली लेडीबग गायब हो जाती है। मिराकुलस बॉक्स में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिराकुलस है स्नेक मिराकुलस, जिससे स्नेक होल्डर टाइम के पीछे जा सकता है, वो भी 5 मिनट के लिए। ये एबिलिटी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको डिस्परेडा एपिसोड याद होगा तो लेडीबग ने सबसे पहले स्नेक मिराकुलस एड्रियन को दिया था, जिससे एड्रियन ट्रांसफॉर्म होके एस्पिक बन गया था। टाइम को रिवर्स करने की बात आती है तो एड्रियन हार मानने से पहले उसने कई बार कोशिश की थी, और उसने कोशिश की थी 25,913 बार, और इसके बाद उसने गिव अप किया था। इसीलिए लेडीबग लुका को स्नेक मिराकुलस देती है। जब मिराकुलस लुका को मिलता है तो वो ज्यादा सक्सेस के साथ उस मिराकुलस का इस्तेमाल करता है, लेकिन फ्यूचर में स्नेक मिराकुलस के होल्डर को चूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। कुछ चीजें पास्ट में रहनी चाहिए, लेकिन अकुमाटाइज्ड विलन टाइम टैगर ऑब्जेक्ट और लोगों को टाइमलाइन में थ्रो आउट कर देता है। अगर लेडीबग अपने लकी चार्म से सब कुछ ठीक ना करती तो टाइम टैगर अपनी पावर से पूरे हिस्ट्री को
हार्म कर सकता था। क्राइम टैगर वाले एपिसोड में क्राइम टैगर पूरे समय खुद को और दूसरों को घुमाता है। जब बनिक से पूछा गया था कि उसने अपनी पावर्स का ज्यादा से ज्यादा बार इस्तेमाल क्यों नहीं किया, बनिक जवाब देती है कि टाइम के साथ छेड़खानी करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये तब देखा जा सकता है जब पास्ट में भेजा जाने वाला मिस्टर रेमायर का एक स्टैच्यू दिखाई दिया था और वो इग्नाइट बन गया था। अगर कोई भी व्यक्ति टाइम टैगर जैसे हिस्ट्री को पूरी तरीके से बदलने में सक्षम है तो इसका कारण ये है कि वह पूरी दुनिया को बदल सकता है। सीजन 5 में टीकी ने खुलासा किया था कि मिरेकुलस होल्डर उन लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं जो लोग उनसे पहले आए थे, मतलब कि पहले जनरेशन के लेडीबग और कैटनोअर और जो बाकी हीरोज हैं। सीजन 5 के एपिसोड रीयूनियन में मैरिनेट ने जॉय एंड डे आर्क को होल्डर के बीच रोमांस के बारे में पूछा था और जॉय जो है वो मैरिनेट से फ्रीली होके बात कर सकती थी, लेकिन उसे दूसरे लोग नहीं देख सकते थे, सिर्फ उसे मैरिनेट ही देख सकती थी। ये एक नई एबिलिटी है जो हमें मिरेकुलस लेडीबग सीरीज में दिखाई गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की क्षमता है। लेकिन प्रीवियस होल्डर की सलाह को उनके अपने निगेटिव एक्सपीरियंस से देखा जा सकता है और जॉय के मामले में उनके विचार पुराने हो सकते हैं। जॉय और उसका कैट होल्डर जो उसके समय का था, वो लोग एक बैटल में एक दूसरे के अगेंस्ट थे। ये मॉडर्न समय के होल्डर्स की तुलना में काफ़ी डिफरेंट है और उनकी कुछ विजडम उनकी सिचुएशन में मदद करने के बजाय उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। टाइम ट्रैवल एक मज़ेदार प्लॉट डिवाइस है। ये एक बहुत ही नाजुक टूल भी है जिसका इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकता है जब इसकी बिल्कुल ही आवश्यकता हो। पास्ट को बदलना हीरोज को आकर्षक लग सकता है, लेकिन समय के प्राकृतिक प्रभाव को बदलने से बाकी दुनिया पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। सो गाइस, ये थी कुछ टाइम ट्रैवल मिस्ट्रीज जो मिरेकुलस लेडीबग शो में दिखाई गई थी। सो अगर आपको मेरी ये मिस्ट्री वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको ऐसी ही फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।